ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। जींद फिलहाल आप खड़े हैं भाई मिनी सेक्रेट में और लखीमपुर खीरी में जो एक घटना हुई है पूरी चर्चित है। और अगर आप बात करेंगे उस साइड डीसी ऑफिस अंदर है, उसके बाहर जो है प्रशासन तैनात है और उस साइड जो है खटखट टोल, बद्दोवाला टोल समेत जितने और भी टोल प्लाजा हैं आसपास के जो लोग हैं उन्होंने जो है धरना जारी कर दिया है। और बड़ी निंदनीय घटना जो कल हुई है और अपने साथ प्रदीप मास्टर जी जो पलवा से हैं बड़े बेबाक तरीके से बोलते हैं और बड़े भाई नॉलेज है इनको इस चीज़ की। वर्तमान में मास्टर जी भी हैं, कई साल से अपना जो है टीचिंग का काम कर रहे हैं, इन तक बात करेंगे। तो मास्टर जी राम राम। राम राम भाई जी। तो कल जो घटना हुई उस बारे में आपकी क्या राय है? कल तो नरसंहार हुआ है। जब देश के गृह मंत्री, केंद्रीय राज्य गृह मंत्री ऐसे काम करते हैं तो इसमें इन्वॉल्व गृह मंत्री भी हैं। केंद्र की सरकार किसानों से डरी हुई है, किसानों के संघर्ष से निपटने का कोई तरीका उनके पास नहीं है, इसलिए ऐसी ओछी मानसिकता के साथ ओछे हथकंडे अपना रही है। किसान क्या मांग रहे थे? झंडे दिखा रहे थे, शांतिप्रिय ढंग से दिखा रहे थे। ये सत्ता का अहंकार है जो उनके सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये किसान है और किसान ना कभी गर्मी में, ना सर्दी में, ना बारिश में कभी रुकने वाला नहीं है। हाँ, दुख है, बड़ा दुख है। जलियांवाला बाग हुआ था और कल ये प्लांटेड चीज़ें थी। खट्टर साहब ने बयान दिया, आप मैचिंग करके देख सकते हैं वहाँ पे घटना कब हुई और खट्टर साहब ने बयान कब दिया, ये सब प्लांटेड है। और हरियाणा को दोबारा से जलवाने की कोशिशें की जा रही है, वो भी एक प्रांत के मुखिया के द्वारा। जो बयान दिया है खट्टर साहब ने, एक लठ वाला बड़ा, ये एक देश का हरियाणा प्रदेश का राजा होने के नाते बड़ा अजीबोगरीब बयान नहीं? अजीबोगरीब बयान नहीं है, इनकी विचारधारा यही है, गोडसेवाद यही थे। गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी, क्या कोई बता सकता है गोडसे ने इससे पहले कितने अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा? एक को भी नहीं। जब गोडसे के पास बंदूक थी, गोडसे चलाना जानते थे, तो फिर अंग्रेज को क्यों नहीं मारा, गांधी जी को क्यों मारा? उसी विचारधारा को ये पोषक है। खट्टर साहब तो शाखाओं में रहे हैं, शाखा में क्या सिखाते हैं? लाठियाँ चलाना सिखाते हैं। अब ये अपने गुंडों को, मस्टंडों को यही भाषा सिखा रहे हैं, आपको बड़ा लीडर बन जाएंगे आप है ना, किसानों के ऊपर लाठी चलाओ, भांजो, आपस में लड़ाना चाहते हैं। इनकी नीति यही है, फूट डालो, राज करो। इन्होंने सदा अंग्रेजों की मुखबरी की, ये तो उसी तरह पे राज चला रहे हैं, तो शोभा नहीं देता। खट्टर जी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आज डीसी ऑफिस के बाहर जो है किसानों का धरना है, तो किस प्रकार की प्रक्रिया होगी? कोई ज्ञापन दिया जाएगा या किस तरीके की? जी, ज्ञापन दिया जाएगा, मांग की जाएगी, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए, उनके लड़के को सजा दी जाए, गिरफ्तार किया जाए। किसानों के जो शहीद हुए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया, सरकारी नौकरी, शहीद का दर्जा। और हरियाणा प्रांत का जो मुखिया है, इस मुखिया के खिलाफ भी केंद्र सरकार सख्त कदम उठाए, प्रशासन सख्त कदम उठाए, FIR कटे और हिंसा भड़काने के भाषण देने के आरोप में इनको भी पद से पदमुक्त किया जाए।